विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के करीब बैठे हुए थे। इस दौरान देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से चौपड़ खेलने को कहा तो भगवान शिव भी तैयार हो गए, लेकिन सवाल उठा कि हार जीत का निर्णय कौन करेगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद भगवान शिव ने उससे कहा कि वह और पार्वती जी चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक देखकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। इस खेल में 3 बार चाल हुई और 3ों बार माँ पार्वती जी की जीत हुई। जब उस बालक से पूछा गया तो उसने शिव जी को विजयी बताया। इस पर पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उस बच्चे को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक बहुत दुखी हुआ और उसने पार्वती जी से क्षमा मांगते हुए खुद को अज्ञानी बताया। इस पर माता ने उस बालक को क्षमा करते हुए कहा कि जब यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी तब तुम भी उनसे विधि पूछकर गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने के बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। नाग कन्याओं के आने के बाद उस बालक ने उनके कहे अनुसार 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर उस बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा तो बालक ने कहा कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। शिव जी के वरदान देने के बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। इसके बाद जब पार्वती जी शिव जी से विमुख हुई तो उन्होंने भी श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इससे पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और शिव जी ने पार्वती जी को यह पूरी कथा बताई। इतना सुनने के बाद पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इसके बाद कार्तिकेय स्वयं अपनी माँ पार्वती जी से मिलने आ गए। इस तरह से चतुर्थी को गणपति जी का पूजन किया जाने लगा। तो यह थी विनायक चतुर्थी व्रत कथा। नमो नारायण।